everyone, welcome back to my channel. Today's video मैं आपको बताने वाली हूँ bridal makeup and I have done this look. और अगर आपको अपना bridal makeup खुद से करना है और आप किन products और किन limited techniques के साथ अपना bridal makeup खुद कर सकते हैं, so without further ado, let's get to begin. सो सबसे पहले मैंने लिया है पैक का ब्रो पोमेड और ये है नंबर 02. दिस इज सच अ रियली गुड ब्रो पोमेड गाइज. आप इसे प्रोफेशनली और सेल्फ पर्पस दोनों से यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा है. नाउ आफ्टर दिस स्टेप हम करेंगे कंसीलिंग विद द मेबेलिन एज रिफाइंड कंसीलर और दिस इज़ द रियली गुड वन कंसीलर. अगर आप कोई अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग दोनों ही प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो दिस इज़ द वन. दिस कम्स इन अ 500 समथिंग MRP एंड दिस इज़ सच अ रियली गुड प्रोडक्ट. और ये है मेरा शेड मीडियम और आप अगर मेरे ही टोन के हैं तो आपके लिए मीडियम शेड इज़ रियली गुड. अदरवाइज यू कैन गो फॉर दी वेबसाइट एंड आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग अपना कंसीलर पिक कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम यूजिंग अ रियल टेक्निक ब्लेंडर ब्रश और इसकी हेल्प से मैंने कंसीलर लगाया है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ एंड द ब्लेंडिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ दीज आर रियली अफोर्डेबल एंड दीज आर ऑल्सो इन अ गुड क्वालिटी, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि आपका मेकअप कैसा होगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द आई मेकअप और यहाँ पर मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का शेडो पैलेट. इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं. आई हैव स्टार्टेड विद द डार्क ब्राउन शेड और यहाँ पर मैं ब्लेंडर ब्रश का इस्तेमाल करते हुए मैंने आई शेड को ब्लेंड कर लिया है इन एंड कॉर्नर. और दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आप अपना ब्राइडल कैसा चाहते हैं. मैं अपनी आईज़ को थोड़ा सा स्मोक इफेक्ट देने वाली हूँ एंड माई लिप्स विल बी न्यूड. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ बोल्ड लिप देन यू शुड डू योर आई मेकअप अ लिटिल पेस्टल इन शेड. तो यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ विद द डार्क ब्राउन शेड एंड आप ग्लिटर्स का यूज़ भी कर सकते हैं और पिगमेंट्स का यूज़ भी कर सकते हैं बट आई हैव डन अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू माय ब्राइड्स व्हिच आई यूज़ मेजरली दिस मेकअप लुक्स और दिस काइंड ऑफ मेकअप ऑन माय ब्राइड्स क्योंकि उन्हें डिसेंट और ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं चाहिए होता है. एंड दिस वर्ड इन टुडेज ट्रेंड कि आप बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप ना करें एंड अगर आपको ज़्यादा या कुछ ज़्यादा हैवी पिगमेंट्स चाहिए देन यू कैन गो अकॉर्डिंग योर प्रेफरेंस. नाउ आई एम यूजिंग द पिगमेंट फ्रॉम बेका पिगमेंट्स एंड यू कैन यूज़ एट द सेम टाइम स्विस ब्यूटी के पिगमेंट्स आर रियली गुड. आई मैजिक एंड क्राइलॉन एंड मैक यू कैन यूज़ इट. सो दिस इज़ द सेकेंड आई जहाँ पर मैं कह रही हूँ इट वॉज लुकिंग सो गॉर्जियस. एंड इसके बाद हम लगाएंगे लैक्मे का एब्सोल्यूट आई लाइनर विच इज़ लिक्विड लाइनर. आप अपने अकॉर्डिंग पेन लाइनर, स्केच लाइनर, केक जेल यूज़ कर सकते हैं एंड आई एम क्रिएटिंग अ वेरी थिन सुपर विंग लाइनर. और आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही थिन लाइन के साथ विंग क्रिएट किया है. Although I am not a wing person but if you are then you can go for it or otherwise you can do a smudge liner also. It's totally up to you कि आपको अपना कैसा bridal चाहिए. Now we have almost done our eye makeup और इसके बाद we'll start with the skin prep. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ स्किन प्रिपरेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट और यहाँ पर मैंने सीरम लिया है विच इज़ फ्रॉम फर्जाली. यू कैन यूज़ एनी सीरम विच सूट्स यू और अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो आपकी स्किन को सूट करता है. गाइज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट स्टेप क्योंकि आपका ब्राइडल है तो आपको अच्छे से अपनी स्किन में आपका मॉइस्चराइज़र या आपका सीरम पेनिट्रेट कराना होगा क्योंकि आपका स्किन उसी की तरह ग्लो करेगा जैसा आप स्किन के साथ डील करोगे या उसको जैसे आप मसाज करोगे. सो यू शुड बी रियली
giving a good massage which is kind of in time 1 or 2 minutes और आपको स्किन का ब्लड सर्कुलेशन स्पीड अप करना है. आप देख सकते हैं मैंने अपवर्ड्स में स्टेप्स किए हैं और बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपनी स्किन के साथ. अकॉर्डिंग टू द प्रेशर यू कैन हैंडल बाय योरसेल्फ. और आप देख सकते हैं माय स्किन लुकिंग रियली गुड और यहाँ पर मेरा स्किन में जो भी नरिशमेंट था मैंने दे दिया. और नाउ आई एम यूजिंग अ सुपर स्टे फाउंडेशन एंड मैं फिट मी फाउंडेशन दोनों को मिक्स किया है. आप अपने अकॉर्डिंग अपने शेड के अकॉर्डिंग फाउंडेशन ले सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. दीज आर रियली गुड एंड बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही लॉन्ग टर्म रहते हैं ये दोनों ही फाउंडेशन. एंड विंटर्स के लिए दीज आर रियली गुड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्किन. यहाँ पर अब मैं मेबलिन का ही एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली गुड गाइज. इफ़ यू हैव अ रिंकल्स यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, दिस इज़ फॉर बेस्ट. और इसके बाद आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो जो आप प्रेफर करते हो. नाउ आई एम यूजिंग अ स्टिपलिंग ब्रश और इसकी जगह पर आप ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो. और यहाँ पर अब मैंने ब्लशर लगाया है एंड इट वॉज़ लुकिंग रियली रियली नेचुरल. एंड आफ्टर दैट आई विल do fix my foundation with the help of Maybelline Compact which is from Fit Me range. और आप देख सकते हैं मैंने under eye को पहले set किया है then my rest of blusher parts. और इससे मेरा base ज़्यादा long term और ज़्यादा sweat proof हो जाता है. और यहाँ पर अब मैं use कर रही हूँ Wet n Wild का contour. और मेरा foundation आपको शायद थोड़ा सा heavy लगे but at the end ये settle down हो जाएगा. और मैंने थोड़ा सा lighten up किया one shade but you can go according to your preference. You can do 1 to 1 shade and you can do 1 to 2 shade up. So it's totally up to you. और यहाँ पर मैं अपने heavy parts जो कि बहुत कम है मैं उनको हाइड कर रही हूँ. यू कैन डू मोर. इसके बाद विल गो फॉर अंडर आई. और यहाँ पर जो शेड्स मैंने डार्क लिए थे वो मैंने अंडर आई में भी लिए हैं और उसको मैं फिनिशिंग दे रही हूँ. एंड फिनिशिंग रियली नीड्स फॉर एवरी वर्क चाहे आप कुछ भी कर रहे हो. और यहाँ पर मैंने लाइटर शेड लिया है और वो मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया है ताकि आई विल लुक मोर बिगर. और यहाँ पर मैंने मेबलिन का हाइपर कर्ल्स मस्कारा लिया है एंड इट वॉज लुकिंग फैब गाइज. यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ माई लैशेज एंड इट वॉज लुकिंग रियली नाइस. सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप मस्कारा लगाने के टाइम पे अपनी बेस को पहले करते हैं या बाद में. आई एम द पर्सन हु हैज़ डन माय बेस और आई मेकअप फर्स्ट और मैंने मस्कारा एंड में लगाया. आप पहले भी लगा सकते हैं. नाउ विल कम आफ्टर द आई लैशेज. यहाँ पर मैंने आई लैशेज लगा लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग ऑन लिप्स. और यहाँ पर मैंने शुगर के लिए पेंसिल ली है. आई एम क्रिएटिंग माई आउटर लिप लाइन. और इसके बाद आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा इससे ही ओम्ब्रे लिप्स क्रिएट कर रही हूँ. इट्स टोटली अप टू यू जो आपके आउटफिट में आपके लहंगा में या आप जो भी आउटफिट अपनी वेडिंग में पहन रहे हैं उसमें जो भी डार्क शेड है यू कैन कैरी दैट शेड ऑल्सो. और इफ़ यू कैन डू यू कैन डू अ ओम्ब्रे शेड और यू कैन डू अ बोल्ड और न्यू. टोटली इट्स अप टू यू योर प्रेफरेंस. आई एम गोइंग टू डू अ न्यूड लिप्स और इसके लिए मैंने थोड़ा सा लाउड शेड लिया है. यहाँ पर मैं ले रही हूँ पैक की रेट्रो लिपस्टिक शेड नंबर 51 चॉकलेट. और यू कैन सी कि ये मैंने लिप्स के इनर पार्ट्स में लगाया है और मैं पूरा लिप पे शेड इसी कलर से दे रही हूँ. सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द लुक. और आप अपना ब्राइडल करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आप अपने लुक के लिए चीज़ों को पहले से प्रिपेयर और प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप कैसा लुक चाहते हैं और उसके तरीके से आपने सारे काम किए हैं या नहीं. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी बाय बाय.